हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको घर पे जो कलरफुल खूबसूरत ऑरेंज, येलो और पर्पल कलर की जो मिर्च आती है, मिर्ची के पौधे आते हैं, उन्हें कैसे बोया जाता है सीड से, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले क्यों ना मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा दूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जब ये मैंने सीड्स लगाए थे उसका वीडियो डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स मैंने लगाए थे, तो ये तो थोड़ा छोटा पौधा है क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी। और मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ गोफ्रेना का सीड्स लगाए थे आपके साथ, तो देखें ये गोफ्रेना का दो पौधे हैं, एक ये है, और काफ़ी सारा दिखाने लगूंगी तो बहुत ही टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो और कुछ विंका के सीड्स लगाए थे, वो भी दिखाऊंगी। ये देखें, ये भी गोफ्रेना सीड से लगा हुआ है, और ये मैंने देसी कॉर्नेशन लगाया था, इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी। और एक ये लगाया है, और भी काफ़ी सारे हैं जिनसे फ्लावरिंग हो रही है। देखें ये है देसी कॉर्नेशन, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसे भी मैंने सीड से ही लगाया था। ये देखें, ये मैंने कॉस्मोस के सीड्स लगाए थे, तो रिज़ल्ट देखें, पौधे काफ़ी बड़े बड़े ये हो गए हैं, जल्दी इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखें ये मेरा बड़ा सा अपराजिता का पौधा, इसे भी मैंने सीड से ही लगाया था। ये वाइट अपराजिता का प्लांट है, और ये देखें इतने बड़े बड़े जीनिया के प्लांट्स, इन पर फ्लावरिंग हो रही है, इन्हें भी मैंने सीड से लगाया था। बस कोशिश करें कि आप सीड्स अच्छी क्वालिटी के लें। और ये देखें मेरा विंका, तो इसके सीड्स भी ये देखिए इस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं, एक पॉट में और हो रहे हैं, इसके सीड्स इधर उधर गिर जाते हैं, तो उससे ही बड़ा अच्छा जर्मिनेशन इनका हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने विंका के सीड्स लगाए थे आपके साथ ही, ये उनके रिज़ल्ट हैं। ये मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया है, कई सारे पौधे थे, ये देखिए काफ़ी सारे पौधे थे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उस मिर्ची के पौधे लगाने हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक बॉल, और ये ले ली है एक सूखी हुई मिर्ची। इस तरह से हमें पेड़ पे सूखी हुई मिर्ची लेनी है, और उसी में से आपको सीड्स निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सीड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से निकालूँगी तो मिर्ची मेरे हाथ में लग सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मिर्ची को तोड़ लिया है, और अब हम इस तरह से इसमें से सारे ही सीड्स अपने निकाल देंगे। बारिश हुई है तो थोड़ी सीली सीली हो रही है ये मिर्ची, तो चलिए पहले मैं इसके सीड्स निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, सीड लगाने के लिए आपको आपके घर में कोई भी डिस्पोजल इस तरह की पैकेट पड़ा हो, ट्रे पड़ी हो, जिसमें बिस्किट्स रस्क वगैरह आते हैं, तो आप उसका यूज़ करें। कबाड़ से जुगाड़ करके सीड्स लगाएं, मैं भी कबाड़ से जुगाड़ करके ही सीड्स लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जो घर पे रेड चिली लगाते हैं, वो जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। मैंने कुछ चिली के सीड्स लगा रखे हैं पहले से, इसलिए वीडियो पे बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, ये सीड्स थोड़े कम निकलते हैं, जो हमारी घर की ग्रीन वाली चिली होती है उसके ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसे मतलब मिट्टी को थोड़ा सा इस तरह से इधर उधर करके इसे तैयार है ये ट्रे मेरी, ये थोड़ी गीली है तो मैं छूंगी नहीं इन्हें, क्योंकि मिर्ची लगती है हाथ में। तो इस तरह से मैं डंडी की ही सहायता से इन्हें इधर उधर कर दूंगी, और फिर मैं इस पे मिट्टी डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है हमें, मेरी मिट्टी गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट की, कौन से मैंने चिली के पौधे लगाए थे, कि कैसे हम इसी तरह से मैंने 80% रिज़ल्ट मिला है मुझे चिली के सीड्स जर्मिनेशन का। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरे चिली के सीड्स का जर्मिनेशन, देखिए रिज़ल्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग मैंने 10-12 सीड्स लगाए थे, जिसमें से मुझे 8 पौधे मिले हैं, बिल्कुल जो तैयार है।
और बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये पौधे आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम चिली के सीड्स लगाएं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा और हमें प्लांट्स मिलेंगे। और ये जो कलरफुल चिली होती हैं उन्हें हम यूज़ तो करते ही हैं, साथ में ये देखने में भी ही बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से आप चिली क्या किसी भी चीज़ के सीड्स को, जो भी आप सीड्स लगा रहे हैं, फ्लावरिंग हो, वेजिटेबल हो, तो किसी भी चीज़ के सीड्स आप लगा सकते हैं और बड़ी ही इजीली आपको इनके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।